तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली इसमें तुम देखोगे, कहता है बॉडी मास एम प्रोजेक्टेड 45 डिग्री। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और यहाँ से मैं 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगर मैं 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया तो ये यहाँ जाएगी, और इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नेगलेक्ट, एयर को रेजिस्टेंस, देन टोटल चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जब पार्टिकल पॉइंट ओ पर था, यहाँ पर था ओ पर, ओ पॉइंट बोल देता हूँ, फिर ये लैंड करेगा ए पर, ठीक है, तो ओ और ए के बीच टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना यार, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं यार। तो फाइनल में से अगर मैं इनिशियल घटाऊं तो सबसे पहले फाइनल मोमेंटम निकालूं, फिर इनिशियल मोमेंटम निकालूं। और एक लॉजिक में यहाँ देखो, ये अगर इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो यू कॉस 45, और यहाँ वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है वो है यू साइन 45, समझ रहे हो। और यहाँ पर जब लैंड करता है तो ये यू कॉस 45 तो कभी चेंज ही नहीं होता है, तो यहाँ जो है एनर्जी बर्बाद नहीं हुई है, तो यू साइन 45 ऐसे हो जाता है। तो तुम यहाँ एक बात याद कर लो, या आपको पहले से पता होगा, ये वाली जो वेलोसिटी यू कॉस 45 और ये वाली जो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में कभी वेलोसिटी बदली ही नहीं यार। तो अगर एक्स एक्सिस में कभी वेलोसिटी बदली नहीं, तो एक्स एक्सिस में सिंस जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यू एक्स और ये पूरा कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो जो मोमेंटम है वो क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एक्स है। एक्स एक्सिस में मोमेंटम एम वी एक्स है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मोमेंटम में चेंज निकालोगे, डेल्टा पी एक्स एक्सिस में निकालोगे, तो एक्स एक्सिस में चेंज कितना आ जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा। अरे भाई, जब मोमेंटम बदला ही नहीं, वेक्टर में लिखोगे तो एम यू कॉस थीटा आई कैप हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो कभी भी बदल नहीं सकता। तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो 0 होगा। तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम चेंज कभी नहीं आता इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में। तो जो मोमेंटम बदल रहा है वो वेलोसिटी बदलेगी, तभी तो मोमेंटम बदलेगा यार। तो जो वेलोसिटी बदल रही है वो वाई वाली बदल रही है, तो वाई वाली वेलोसिटी बदल रही है तो वाई वाली मोमेंटम मतलब आएगी यहाँ से। तो अगर तुम देखोगे यहाँ वाई वाली मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था वाई में, तो अगर देखोगे मोमेंटम इनिशियली जो वाई में था वो था एम यू साइन 45 जे के वेक्टर में, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। और फाइनल मोमेंटम तुम देखोगे वाई में तो ये आ जाएगा माइनस एम यू साइन 45 जे कैप, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब किसी भी पॉइंट में मोमेंटम चेंज निकाल सकते हो। तो तुम यहाँ से तुम देखोगे तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम तुम देखोगे, तो फाइनल में से जब इनिशियल घटाओगे यहाँ से, तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू साइन 45 जे कैप, और माइनस साइन घटाने की वजह से एम यू साइन थीटा 45 जे कैप। तो कुल मिला के तुम चेंज इन मोमेंटम तुम देखोगे जो वाई एक्सिस में, या जो नेट मोमेंटम आएगा, माइनस 2 mu sin 45 यहाँ से जे कैप आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो अगर मुझे स्केलर फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, स्केलर फॉर्म में चाहिए तो डेल्टा पी मॉड, यहाँ से तुम देखोगे डेल्टा पी मॉड 2 mu sin 45 यहाँ से आ जाएगा। तो 2 mu sin 45/√2, तो यह आ जाएगा √2 mu यहाँ से। तो m यहाँ से √2 mu की वैल्यू यहाँ b दिया था, तो √2 mu मैग्नीट्यूड जो है दैट इज b ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना। तो b बेसिकली यही हमारा प्रॉब्लम था, मोमेंटम x एक्सिस में कभी नहीं बदलता, मोमेंटम y एक्सिस में बदलता है। अब आप चेंज निकालना डी ओ पॉइंट पर और हाईएस्ट पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट पे आप चेंज निकाल सकते हो।